वतन जिसके सामने ये तोप के गोले कोई मायने नहीं रखते, वो नन्हे फूल जिन्होंने कुर्बानियां दी। जिसमें मां की गोद जैसा सुकून है, वतन जैसे डर से लरसते बच्चे को बाप का साया मयस्सर आ जाए। वतन जो महबूबा की मुस्कुराहट से भी ज्यादा खूबसूरत हो, कमांडर हमें आपके हुक्म का इंतजार है। डॉक्टर पहुंच गए हैं क्या? जी सर। उनसे कहो कि हमारे शहदा और जख्मियों की शनाख्त करें। इसके अलावा कोई और हुक्म सर? फौजें वापस आ रही हैं, तैयारी मुकम्मल करो। कमांडर खुश आमदीद। सर क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ कप्तान, कर्नल साहब से मिलना है। जी मैं बताता हूँ। मेजर, कमांडर जावेद आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दूँ? हाँ भेज दो। जो हुक्म मेजर। चलिए कमांडर। बोलो कमांडर। सर 21वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 300 शहदा के साथ कामयाब हो चुकी है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है कमांडर? खबर पहुंच गई थी, मुबारक हो तुम्हें कमांडर। शुक्रिया कर्नल। खुदा का शुक्र है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं, बुरी खबरें नापैद होती जा रही हैं। और बाकी महाजों की क्या सूरत हाल है? अच्छी नहीं है, मजीद दो चौकियां हाथ से निकल जाएंगी और फौजी पहुंच रहे हैं वहां।
इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर कमान में तब्दीली की जाए तो यूनानियों को रोका जा सकता है सर। किस कमान की बात कर रहे हो? उन बच्चों को तो बंदूक थामनी भी नहीं आती। तुम्हें क्या लगा हमने इस बारे में नहीं सोचा? आप हमारी रेजिमेंट वहां भेज दीजिए। अब इसकी जरूरत नहीं है कर्नल, हम जंग हार रहे हैं, हमें एक मौका तो दीजिए। तुम अपने घर जाओ, चलो, तुम्हें हुक्मनामा पहुंच जाएगा। जो हुक्म सर। दुनिया बड़ी खतरनाक है भाई, आंखें खुली रखो अपनी। अगर यही हाल रहा तो दुश्मन का निशाना बन जाओगे। पता चल गया था मुझे। खैर जो भी है, सिपाहियों को कैसा डर मौत का, उसी लम्हे के लिए तो जीते हैं। गले मिलो भाई, खुश आमदेद। कैसे हो मेरे भाई, आओ चलते हैं। कहाँ? मेरे घर। अभी चलो। हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे ना। लेकिन इनकी तलवारें देखो जरा, लकड़ी की हैं। हम तो टहनियों से शौक पूरा करते थे। और मैं पिटता था तो मुझे पत्थर मार के भाग जाते थे। तुम एक बार फिर मैदान जंग से फाते लौटे, सब तुम्हारी बात कर रहे हैं। तीसरी बात नहीं होती तौफीक, या तो जंग में हार होती है या जीत। पर तुम एक हारी जंग के फाते हो जावे, बेफायदा है ये। नहीं, अभी हमें शिकस्त नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी। कर्नल नाजिम को भी ऐसा ही लगता है। मैंने अपनी रेजिमेंट की खिदमात फराहम की पर उन्होंने कबूल नहीं की। तुम बचपन से ही जुनूनी हो जावेद, मोहल्ले के बहुत से लड़कों के साथ अकेले लड़ पड़ते थे, मगर अब तुम बच्चे नहीं रहे, एक खानदान है तुम्हारा, तुम इतनी बड़ी जंग अकेले नहीं जीत सकते हो। मैं क्या करूं तौफीक, मैं लड़े बगैर वतन की कुर्बानी नहीं दे सकता। लेकिन बाज़ चीज़ें वतन से ज़्यादा अहम होती हैं। लेकिन एक फौजी के लिए नहीं, वतन नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम दफ्तर के होके रह गए हो, अगर तुम कभी अपनी छावनी से बाहर निकलो तौफीक, तो जानो के क्या हो रहा है। और अगर तुम थोड़ा वक्त छावनी के अंदर गुजारो जावेद, तो अंदाज़ा हो कि आजकल की जंगें सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। क्या तुम कर्नल नाजिम की वालदा का नाम जानते हो? मैं नहीं जानता। क्यों? मैं भी नहीं जानता। तुम नहीं बदलोगे। बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। इतना दर्द तो गोली लगते वक्त नहीं हुआ। गोलियों से तो ताल्लुक रहेगा तुम्हारा। क्या तुम भूल गए कि तुम एक फौजी हो? ऐसे जख्म तो लगते रहेंगे। इक्कीसवीं इन्फेंट्री आ गई है, बहुत से जख्मी हैं उसमें, डॉक्टर की जरूरत है वहां। इसके जख्म साफ करो, मैं आती हूं। आ जाओ। नसीम साहब। हाँ बोलो आयजा। सर वो इक्कीसवीं इन्फेंट्री वापस आ गई है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो। शौहर से मिलने जाना है ना? जी बिल्कुल। क्या अमला काफी है अस्पताल में? जी काफी है, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ आयजा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। तुम इतना जल्दी में जा रही हो, कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारे शौहर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है? उन्हें कुछ होता तो मैं जान जाती। अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया आपका। क्यों? ये मेरा है। मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये मेरा है, वापस दो मुझे।
क्या कहा? जल्दी हो तुम मुझसे। क्यों जानूंगी मैं? तुम मान जाओ तो वापस कर दूंगी। मान जाओगे या मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं कहूंगी मैं। ठीक है तो फिर मैं इसे चलाती हूं। ठहर जाओ तुम दोनों। कितनी बार मना किया है तुम दोनों को यहाँ आने से? मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ। दादी क्यों मारे मुझे? दर्द हो रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए। आइंदा इस बेचारी से चीज मत लेना। मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा मोहतरमा, जब वो आएगा तो उससे शिकायत करना मेरी। अभी जाओ यहाँ से, तुम दोनों की वजह से बैंगन जल जाएंगे। बैंगन बनाए हैं आपने वहाँ? मुझे जल्दी दीजिए, भूख लग रही है। अभी नहीं, तुम्हारी अम्मी ही आकर देंगी तुम्हें। मुझे भी खाना मिलेगा क्या? बाबा, बाबा जान, बाबा। अब मेरे बच्चे, मेरी शहजादी, अम्मी जान, अम्मी जान। मेरा बच्चा, जीते रहो। जावेद, अम्मी, जावेद कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम बहू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बहू अब यहाँ पे सलाम दुआ में ही सारा वक्त ना गुजार देना। क्या कह रही है, बच्चियाँ खड़ी हैं। अच्छा जावेद ऊपर कमरे में। जावेद ये तुम ही हो? आयशा, आगे तुम, आगे मेरी जान। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। आयशा तुम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। बस तुम्हारे आने की खुशी में मैं रोक नहीं पा रही। बहुत याद किया तुम्हें। अपनी हरकतें देखो। चुप करो। चलो बच्चों। अम्मी तौफीक, मैं कुछ मदद कर। आओ यहां बैठते हैं। तौफीक अंकल। मेरी परियां। जाओ लड़कियों, अंकल के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जरा रुको, पूछोगी नहीं कैसी चाय पीऊंगा? कैसी चाय पिएंगे आप जनाब? अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हारी दादी जैसी हो, तुम्हारे बाबा जैसी हो या फिर तुम दोनों जैसी हो? हमारी दादी जैसी। उसमें दार चीनी डाल दो फिर मसालेदार हो जाएगी। बहुत बदतमीज लड़का है ये। और अगर हमारे बाबा जैसी हो तो कैसी होगी? बाबा जैसी, उसमें लीमू डाल दो, खट्टी होनी चाहिए। और हमारी जैसी हो तो? हाँ, तो फिर उसमें शहद डाल दो और मीठी और मजेदार से बना कर लाओ। जाओ चलो। शाबाश। अली कमाल नजर नहीं आ रहा। अरे पता नहीं कहाँ होगा वो। हिलाल जाओ, जाओ बेटा भाई को ढूंढ कर लाओ। बच्ची को क्यों भेजती है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम बैठो चाय वाय पियो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हाँ। नहीं लगा यार। मुझे दिखाओ ये बंदूक। अरे नहीं, मेरी बारी है। ये गन उसकी है। मेरी बंदूक है और बारी भी मेरी है। नहीं लगेगा निशाना। तुम्हारी गलती है। धक्का किसको दिया तुमने? क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं अपने बाबा की बंदूक से नहीं खेलने दूंगा तुम्हें। तुम्हारे बाबा की बंदूक तो खराब है। तुमसे किसने कहा? उस मानियों के हथियार नाकार हैं, बिल्कुल उनकी तरह। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी अपने बाबा की तरह दफा हो जाओगे यहाँ से। कुछ नहीं होगा ऐसा। रुक जाओ अली कमाल। उठो उठो उठो, शाबाश। माफी मांगो उससे। मैं नहीं मांगूंगा। माफी मांगो। इसने क्यों कहा कि हम लोग यहाँ से कहीं दफा दूर हो जाएंगे और ये भी कि हमारे हथियार नकारा हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हो? बोलो निकू। जी हम दोस्त हैं। हाँ चलो अब सुलह करो। चलो किसकी बंदूक है ये?
मेरे बाबा की। तुम्हारे बाबा को पता है इस बारे में? पता ना चले तो अच्छा है। ये पकड़ो, ये लो, घर जाओ। चलो तुम भी जाओ कोस्टा। तुम्हारी अम्मी को बताऊं? बता दें, वो आपके आने की खुशी में मुझे डांटना भूल जाएंगी। कितनी बातें करने लगे हो तुम, लड़ाई क्यों कर रहे थे तुम? वो मुझे बारी ही नहीं दे रहे थे। मैं तुम्हें निशाना लगाना सिखाऊंगा। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बेटे को खुद सिखाऊंगा। तो अपनी पिस्तौल दीजिए। नहीं, उसके लिए तुम्हें मुझे अच्छा। पकड़ना होगा। शाबाश। तफीक अंकल, दादी माँ को तंग कीजिए ना। नहीं, बुरी बात नहीं अंकल, कीजिए ना। अगर वो रूठ गई तो आप उनको मना लीजिएगा। ये तो बहुत कड़वी चाय है बच्चों। अब सुनो, पहले तुम दोनों मिलके इस चाय को मीठा बनाओ मेरे लिए। चले अंकल, आप दादी को तंग कीजिए ना। जी अंकल, प्लीज करे ना। प्लीज करे ना अंकल। शाम को बच्चों को बाहर ले जाऊं कि मैं कुछ देर के लिए। एकदम से ये इरादा कैसे बन गया आपका? बस बन ही गया। दो प्यार करने वालों को भी चाहिए ना। अम्मी जान, हसीबा आंटी। हाँ बोलो। न्यास साहब को जानती हैं क्या आप? वो तलवारों वाला न्यास? हाँ वो ही वाले, उनकी अहलिया फौत हो गई। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह दर्जात बुलंद करे उसके। हाँ, इतनी कम उम्री में हिरणवा हो गया बेचारा। कहाँ की कम उम्री तौफीक, पोतों वाला है माशाल्लाह से। मालदार बहुत है वो वैसे। हसीबा आंटी, वैसे आपकी उम्र क्या होगी? तौफीक, जूती मार तुझे। शरारत आओ लड़कियों। तुम अब भी बचपन की तरह मुस्कुराती हो। तुम भी तो वैसे ही हंसाते हो। छोड़ो मुझे। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़े बाबा। ये लो हमारा घर भी आ गया। पानी अच्छी तरह गर्म किया है? हाँ अच्छी तरह किया है। महास पर मेरी तो हड्डियों में सर्दी घुस गई है। वो सिर्फ गर्म पानी से नहीं निकलेगी। तो फिर मैं इसका क्या हल निकालूं? तुम्हें गर्म पानी नहीं, मोहब्बत चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारी मोहब्बत खोलते पानी से भी ज्यादा गर्म है? इतने भोले मत बनो। चला डाला।
जावेद, जंग कहां तक पहुंची? क्या सूरत हाल है? अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल 3 महाजों पर जंग हो रही है। मगर किस लिए? किस लिए? जाहिर है, अपना वतन वापस लेने के लिए। कौन बताएगा कि ये वतन किसका है? बोलो, हम लोग 4 सदियों से यही हैं। उनका कहना है कि वो हमसे पहले यहाँ थे। उनसे पहले भी यहाँ कोई रहता ही होगा ना? उनसे पहले भी कोई रहता होगा, और सारे इंसानों से पहले, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले जरूर यहाँ जानवर रहते होंगे। तुम्हारा मतलब किसी का कोई वतन नहीं होता? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा वतन कौन सा है लड़की? तुम्हें ये जख्म अल्बानिया से मिला था ना, जहां तुमने बागियों को रोका था। जावेद, वही था मेरा वतन। जब तुम्हें ये खंजर लगा था तो तुम आयवाना थे, वही मेरा वतन था। गोली छूकर गुजरी थी ना त्रिपोली में, तब मेरा वतन त्रिपोली में था। मेरा वतन तुम हो जावेद। बाबा, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बाबा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुम बहुत खूबसूरत हो। बताओ, आसमान जैसी नीली आंखें किसकी हैं? मेरी हैं। इतनी प्यारी सी नाक किसकी है? ये मीठे मीठे गाल किसके हैं? बताओ जरा। पर मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत है। अरे बेटा, हर कोई अपनी जगह खूबसूरत होता है, सभी खूबसूरत है। क्या भूल गई कि दादी ने क्या बात सिखाई थी आपको? खूबसूरती अपने बजाय दूसरों में तलाश करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या नजर आता है। हाँ, ये तो एक उल्लू है। क्या है? दोबारा देखता हूँ मैं। मुझे गलत फहमी हो गई थी, ये तो मेरी चिड़िया है। मेरी प्यारी चिड़िया है ये तो। मेरी चिड़िया के प्यारे प्यारे हाथ भी है, ये देखो जरा। चलो सो जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, बाबा की जान हो तुम, आंखें बंद करो अपनी।
क्या हुआ, आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? घुटनों की दर्द की वजह से मुझे तो नींद ही नहीं आती बेटा, लेकिन तुम तो सुकून की नींद सो जाते। अम्मी सुकून की नींद सोए बहुत अरसा हो गया। बाप पर गए हो, वो भी आधी रात को उठ जाया करते थे और अपनी बंदूक ढूंढते थे। पागल कर दिया था मुझे। इधर लाए अपनी टांग। बहुत दर्द है। मैं उनसे कहा करती थी कि बेटे को अपने जैसा फौजी मत बनाना, उनसे वादा लिया था। वादा लिया था? और जब तुम 2 साल के हुए तो उन्होंने बंदूक थमा दी तुम्हें। अगर आज वो जिंदा होते तो तुम पर बहुत फख्र करते हैं। आप मेरे बहाने उन्हें याद करती हैं। अरे कितने शैतान हो गए हो तुम, तुम्हें क्या पता याद क्या होती है। अम्मी मैं भी आप सबको याद करता हूं। बेटा आयशा तुम्हें कितना याद करती है, अगर तुम जान जाओ ना तो दरवाजे से बाहर कदम ना रख पाओ। मोहब्बत मैंने भी की थी, मगर इतनी मोहब्बत कभी नहीं देखी मैंने। मुझे तो डर लगता है उससे। खुदा खैर करेगा अम्मी जान। अल्लाह मोहब्बत करने वालों से ज्यादा इम्तिहान लेता है। ये नींद में पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। जाओ अंदर जाओ, रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। जी अम्मी।